हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन। अ ब्लैक बॉडी एट 1227 डिग्री सेल्सियस इमिट रेडिएशन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड बाय 1000 डिग्री सेल्सियस द मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व एट वेवलेंथ। चार चौथे सोल्यूशन। देखो, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि अगर एक ब्लैक बॉडी है, ये कोई ब्लैक बॉडी है, इसकी इमिसिविटी वन होती है, इसके सरफेस का टेम्परेचर जो है टी वन है, इस ब्लैक बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर टी वन है, वो कितना है, 1227 डिग्री सेल्सियस। इसे कैल्विन में लिखना चाहें तो 2127 प्लस 1000, सॉरी 273 ऐड कर लें तो ये 1500 केल्विन आ जाएगा। इससे रेडिएशन निकलना है, इससे जो रेडिएशन निकलता है, इस सारी वेवलेंथ की रेडिएशन निकलते हैं, लेकिन इसमें से एक वेवलेंथ ऐसा होता है जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ऑल वेवलेंथ की रेडिएशन निकलते हैं, लेकिन उसमें से एक रेडिएशन ऐसा होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम मैक्सिमम वेवलेंथ बोल देते हैं। जैसे ये वेवलेंथ है और ये इमिसिव स्पेक्ट्रल पावर है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, इसकी वैल्यू होती है डीई ओवर डी लैम्डा। इसके लिए जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो देखो, इसके लिए इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी तो इमिसिव पावर क्या होती है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होती है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं, फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इस जगह पे है। देखो, इस वेवलेंथ को मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं जिसके लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो, इसके लिए इंटेंसिटी कम है ना, सबसे ज्यादा इसी के लिए है, तो इसको लेमडा एम वन कह देते हैं। मान लो ये टेम्परेचर टी वन पर है ग्राफ, और इसके लिए वैल्यू दे रखी है कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम टेम्परेचर टी वन। प्रोपोर्शनल टू उठाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है, लैम्डा एम वन इंटू टी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। ये फर्स्ट केस हो गया आपका। अब सेकंड केस में क्या कहा कि इस बॉडी का टेम्परेचर अगर हम 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, तो बॉडी वही है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी टू कितना कर दिया, पहले से 1227 डिग्री सेल्सियस था, इसे 1000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो कितना हो जाएगा, 2227 डिग्री सेल्सियस। पहले इतना था, 1000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, इसे भी कैलोरी बदल दें, 2227 प्लस 273 तो ये हो जाएगा 2500 केल्विन। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो इतना टेम्परेचर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेडिएशन किस वेवलेंथ पर ऑब्जर्व होगी, ये आपसे पूछ रहा है। सेकंड केस ये कहा कि लैम्डा और ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, फिर इसके लिए ग्राफ बनाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे ना, तो ये जो वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम है वो कम हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टी टू कर लिया है, इसकी लैम्डा एम टू हमसे पूछ रहा है कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ पूछ रहा है जिसकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, वो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड आउट करो, फिर निकाल लो, फिर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा दो, लैम्डा एम टू टी टू कॉन्स्टेंट रहा। अब ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो इक्वल कर लो, लैम्डा एम वन टी वन लैम्डा एम टू टी टू। तो लैम्डा एम वन की वैल्यू रखी है हमें कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम, ये 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी थी, टेम्परेचर था टी वन 1500 केल्विन, केल्विन में रखते हैं हमेशा यहाँ पे। लैम्डा एम टू हमसे पूछ रहा है और टेम्परेचर है देखो, 20 से तो 20 कैंसिल कर दिए, 25 25 से काट दिया, ये 200 बार कट गया,
और 15 का मल्टीप्लाई कर लिया तो लैम्डा एम टू इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया। इसलिए इसकी जो चॉइस हो गई डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।